नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बात नेशन की में। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। लगातार कई दिन तक इस मिशन में काम करने के बाद 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है, ये जानकारी इसरो ने दी। इस दौरान चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने क्या क्या कारनामे चंद्रमा पर किए, वो क्या क्या इतिहास में पहली बार इन्होंने कारनामे करके नाम अपना दर्ज किया है, उस सब के संबंध में आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें चंद्रयान 3 मिशन से इसरो को पता लगी, क्या क्या कीर्तिमान स्थापित हुए, क्या क्या जो है इन्होंने पहली बार किया, वो सब इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, कल एक खबर निकल के सामने आई जिसमें जो अखबारों की सुर्खियां बनी। क्या थी खबर? खबर ये थी कि चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम कम्स अप विद सरप्राइज मेक ए जंप ऑन द मून। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर परफॉर्म होप एक्सपेरिमेंट। अभी होप एक्सपेरिमेंट क्या है, आप सबको जानने की इच्छा होगी, तो इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है होप एक्सपेरिमेंट और ऐसा क्या प्रयोग चंद्रयान 3 ने हमारे चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर कर दिया कि वो अखबारों की सुर्खियां बन गई और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। तो दोस्तों, चांद पर जो है अंगद की तरह हमारे चंद्रयान 3 ने पांव जमाए, लैंडर विक्रम ने अपना एक और करिश्मा करके दिखाया। जैसे इसने क्या है, किसी हेलीकॉप्टर की तरह, जो लैंडर हमारा विक्रम है, एक हेलीकॉप्टर की तरह चांद पर उड़ते हुए एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब जब 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक बार लैंडिंग कर ली थी, ये बहुत बड़ा करिश्मा अपना बताया जा रहा था कि चलो साहब लैंडिंग हो गई। उसके बाद वो मूव कर रहा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, जैसे बताया था इसने 100 मीटर करीब मूव किया है। लेकिन जब ये मिशन पहले चंद्र दिवस पूर्ण करने के बाद स्लीप मोड में जाने से पहले इसरो ने एक बार एक और प्रयोग करके देखा। इसने क्या किया कि ये जो पूरा हमारा विक्रम लैंडर है उसको एक बार फिर इन्होंने उसको ऊपर उड़ाकर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर कराई, और इसरो ने इसका वीडियो भी एक जो है जारी किया है कल जो है, जिसमें विक्रम चांद की सतह से उड़ता हुआ कुछ दूरी पर जाकर फिर से सॉफ्ट लैंड करता दिखाई दे रहा है। चंद्रयान 3 मिशन पर ताज़ा अपडेट देते हुए इसरो ने बताया है कि विक्रम लैंडर ने अपने मिशन उद्देश्य को पूरा कर लिया है। यह एक प्रयोग था, इसरो ने कमांड दिया, वो विक्रम के इंजन चालू हो गए। देखिए टेक्नोलॉजी इस तरह से, इसरो जो है इसरो का हर दाव पूरा हो रहा है और हर मिशन सक्सेसिव रेट से भी हाई पे जाके कंप्लीट हो रहा है। हमारा ये मिशन क्या था चंद्रयान 3 की, हमने अपने विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना। तो हमारा जो विक्रम लैंडर है वो ना सिर्फ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा बखूबी वहाँ काम किया, बशर्ते काम करने के बाद इसरो ने दोबारा उसको चालू करके दोबारा उसको लैंडिंग चांद पर करवाई और इसरो उसको सफल भी हो गया है। ये टेस्ट सफल हुआ, इससे वैज्ञानिक काफ़ी खुश हैं। क्या इसके मायने हैं चांद पर विक्रम की दोबारा लैंडिंग के? तो चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग की। लैंडर को 40 सेंटीमीटर जो है ऊपर उड़ाया गया कमांड देकर और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे सुरक्षित लैंड करा दिया गया। इसे होप एक्सपेरिमेंट यानी जंप टेस्ट इसरो ने इसको नाम दिया है। इसरो ने बताया कि लैंडर को ऊपर उठाने से पहले उसका रैंप पेलोड चास्टे, जो पेलोड होते हैं उसके रैंप लगे होते हैं वो, और इल्सा होता है ILS, उसके बारे में आगे आपको डिटेल में बताऊँगा क्या ये काम करता है, कैसे काम करता है, उसको फोल्ड किया गया। दोबारा सफल लैंडिंग के बाद सभी उपकरणों को पहले की तरह सेट कर दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट 3 सितंबर को इसरो ने किया। अब ये उसके बाद जो इमेज, जो हमारा कैमरा है उसने इमेजेस भी, इससे पहले आप इसके हमने सेशन भी किया है, बताया है कि फ्रंट कैमरे ने क्या क्या वो मतलब इमेज वो भेजी इमेजेस, उस सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पहले दे चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। चांद पर जो विक्रम लैंडर है वो 4 सितंबर सुबह 8 बजे स्लीप मोड में चला गया। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रमा पर जो दिन होता है वो 14 पृथ्वी दिवस का एक दिन होता है। 14 पृथ्वी दिवस कंप्लीट हो गए, उसके बाद अब चंद्रमा पर रात होगी।
चंद्रमा पर रात होगी तो रात का टेम्परेचर चंद्रमा पर 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है माइनस में। अब ऐसे में क्योंकि हमारा जो पूरा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर है, ये पूरा फंक्शनैलिटी इसकी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इलेक्ट्रिक चार्ज किससे मिलता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है सूरज की रोशनी से। तो सूरज की रोशनी कब होती है? दिन में होती है। दिन में भी दक्षिण ध्रुव पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे सोलर पैनल इतने अच्छे हैं कि उसी से थोड़ी बहुत एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। तो रात में चूंकि एनर्जी जनरेशन नहीं होगा इसलिए ये काम नहीं करेगा, तो हमने इसको जो है स्लीप मोड में ले जाकर पार्क कर दिया है, इसरो ने जानकारी थी। ठीक है, उसके बाद इसके पेलोड चेस्ट इल्सा नई लोकेशन पर किया, धरती से नई लोकेशन में इसको पार्क कर दिया काम, और धरती से डाटा रिसीव कर मतलब जो इसने किया है। अब जो है पेलोड जो है इसके सारे वो स्विच ऑफ हो गए, हालांकि लैंडर के जो रिसीवर हैं वो काम कर रहे हैं। इसरो को उम्मीद है कि 22 सितंबर को जब चंद्रमा पर दूसरा चंद्र दिवस शुरू होगा तो उसमें ये अपना काम शुरू कर देगा। इससे पहले इसरो ने 2 सितंबर को बताया था कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है, इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर इसे स्लीप मोड में पहुंचा दिया गया है। इसमें लगे पेलोड अब बंद हो गए हैं। पेलोड से डाटा जितना भी था, पेलोड ने जितना डाटा रिसीव किया था उसको सुरक्षित पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जो इसकी बैटरी है, बैटरी अभी भी पूरी चार्ज है, मतलब बैटरी में करंट है। तो इसका यही उम्मीद जताई जा रही है कि 22 सितंबर को दोबारा शुरू हो जाएगा। रोवर को ऐसी दिशा में पार्क किया है इसरो ने कि वो 22 सितंबर को जब चंद्रमा पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सीधे उसके सोलर प्लेट पर पड़ेगा। इससे इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू कर देगा, और ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ही बड़ी बात होगी इसरो के लिए, क्योंकि हमने उम्मीद की थी एक चंद्र दिवस की और ये दूसरी में भी काम करता है, तो हमारे लिए ये रिवार्ड ही होगा, किसी बोनस से कम नहीं होगा। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का है। ऐसा इसलिए रखा जाता है जो मैंने आपको बता दिया, 14 दिन रात और उजाले वाली जो कहानी है। अच्छी बात यह है कि रोवर की जो बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज है, ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। उसका सोलर पैनल 22 सितंबर को चंद्रमा पर होने वाले अगले जो सूर्योदय है उस पर प्रकाश से एनर्जी लेने की स्थिति में है। शायद इसलिए इसरो को उम्मीद है कि अपने मिशन के दूसरे चरण के लिए रोवर फिर उठ खड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोवर और लैंडर भारत के मून एम्बेसडर के तौर पर वहीं पर रहेंगे। रोवर ने इस दौरान कितनी दूरी तय की तो वो काफ़ी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन फिर आपको बता देता हूँ। रोवर ने इस दौरान अपने चंद्र मिशन के दौरान 100 मीटर की दूरी तय की है, और रोवर ने शिव शक्ति जो लैंडिंग पॉइंट है जहाँ हमारा चंद्रयान 3 मिशन लैंड किया था विक्रम लैंडर, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट रखा गया है। वहाँ से 100 मीटर की दूरी रोवर ने तय की है। लैंडर और रोवर के बीच की दूरी का ग्राफ भी शेयर किया गया है इसरो ने। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को उतरा था, रोवर को ये दूरी 10 दिन में पूरी की रोवर ने, 100 मीटर की दूरी। 6 पहियों वाला जो प्रज्ञान रोवर का वजन है वो लगभग 26 किलो है। लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद गुरुवार को सुबह इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की थी। लैंडर 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरा था। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। 31 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट लूनर ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा, जिसका मैंने आप पहले चर्चा किया था इल्सा, उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसके पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया। देखिए बड़ी बात, एक बड़ी बड़ी खोज हमने की है कि जो भूकंप हैं वो भी चंद्रमा पर उपस्थित हैं। वहाँ जो भूकंप आया था, जो रिकॉर्ड किया गया था, 26 अगस्त को आया था। इसरो ने बताया कि भूकंप के सोर्स की जांच जारी है कि कहाँ से ये आया होगा। ये ग्राफ था जो शेयर किया गया है भूकंप के। अब ये इल्सा पेलोड जो है वो काम कैसे करता है? दरअसल ये जो पेलोड है इल्सा, इसमें 6 हाई सेंसिटिव एक्सेलोमीटर्स का एक क्लस्टर लगा रहता है। इन एक्सेलोमीटर्स को सिलिकॉन माइक्रो मशीनिंग प्रोसेस की मदद से भारत में बनाया गया है। इसके कोर सेंसिंग एलिमेंट में स्प्रिंग मास सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें कोम स्ट्रक्चर वाले इलेक्ट्रोड लगे हैं। भारी कंपन जब होता है ना, तो भारी कंपन की वजह से इल्सा के स्प्रिंग में हलचल होती है, जिससे उसके इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी में बदलाव होता है। ये चार्ज वोल्टेज में परिवर्तित होता है। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है इल्सा का?
इसका प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक भूकंप, लैंडर या रोवर के इम्पैक्ट या किसी एआई की वजह से चंद्रमा पर उठने वाले कंपन को मापना। 25 अगस्त को रोवर के चलने से वाइब्रेशन रिकॉर्ड थे, इसके बाद 26 अगस्त को भी वाइब्रेशन रिकॉर्ड किए गए, हालांकि ये प्राकृतिक नजर आए। इस वाइब्रेशन के पीछे क्या कारण थे उसकी जांच अभी जारी है। चंद्रयान 3 की चांद पर 31 अगस्त 8वें दिन लैंडर विक्रम पर लगे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगिट्यूड प्रोब रंभा एलपी ने चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा की खोज की है। ये भी एक बड़ी खोज हमारे लिए मानी जा रही है। प्लाज्मा क्या होता है? पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पारंपरिक जो ठोस, तरल और गैस है, इससे परे प्लाज्मा अत्यधिक गर्म होता है। ये धनावेशित आयनों और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का एक मिश्रण होता है। चंद्र प्लाज्मा की विरलता का मतलब है कि रेडियो तरंगे कम क्षीण होने के साथ अंतरिक्ष में फैल सकती हैं। तो चंद्र जो मिशन है जितने भी उनके, अब प्लाज्मा होने का क्या मतलब निकाला जा रहा है? प्लाज्मा अगर चंद्रमा पर है तो उसकी जो रेडियो वेव्स हैं वो कम क्षीण होंगी, मतलब उसकी जो मतलब वो सही दिशा में चल सकेंगी, मतलब इधर उधर कम डिस्टर्ब होंगी और वो आसानी से अंतरिक्ष में फैल सकती हैं प्लाज्मा होने से। ये निश्चित तौर पर जितने भी चंद्र मिशन होंगे उनके लिए जो संचार होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी ये घटना। उससे पहले इसरो ने जो है कई रोवर प्रज्ञान के फोटो वगैरह विशेषण अपना शेयर किए थे, उसके बारे में सेशन पहले कर चुका हूँ। सल्फर की भी पुष्टि प्रज्ञान ने इसमें इस दौरान की। रोवर प्रज्ञान ने 31 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सल्फर की पुष्टि की। इसरो ने बताया कि इस बार प्रज्ञान पर लगे अल्फा प्रैक्टिस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने सल्फर की मौजूदगी को कन्फर्म किया है। इसरो ने कहा कि अब हम जो है इस बात की खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर आया कहाँ से, आंतरिक है उसका या फिर किसी ज्वालामुखी घटना से आया है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब सल्फर जो होता है, जब कभी कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें सल्फर बहुतायत में मिलता है, तो यही कल्पना जताई जा रही है कि कहीं चंद्रमा पर भी तो पूर्व में या पहले कुछ दिन पहले कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं या होते आ रहे हैं। इस बात की जाँच अभी इसरो की तरफ से जारी है, या फिर किसी उल्कापिंड से सल्फर आया, इस बात की दिशा में इसरो जांच कर रहा है। ये पहली ऐतिहासिक खोज है जो चंद्रमा की उत्पत्ति का सुराग दे सकती है और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसका गहरा महत्व है। सल्फर की मौजूदगी ये हमें उस दिशा में ले जा सकती है कि आखिर चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जाहिर तौर पर इसरो इसको बहुत खास एक डाटा के रूप में ले रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जितने भी चंद्र मिशन रहेंगे उसमें खोज अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस संबंध में शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ने कहा है कि जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा है कि एक प्रचलित सिद्धांत है कि गंधक बर्फ के रूप में जमा पानी के भीतर फंसा हो सकता है, जिसका अर्थ है कि हम एक बड़ी खोज के कगार पर हो सकते हैं। चंद्रमा पर बर्फ की भौतिक उपस्थिति, मतलब ये बर्फ से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा के बिना तारीख वाले पुराने दस्तावेज में चंद्रमा की मिट्टी के साथ चंद्र ईंट या कंक्रीट बनाने के लिए गंधक से संभावित उपयोग का सुझाव इन्होंने दिया था पूर्व में। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सरफेस पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन की खोज जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिप्स पेलोड ने यह खोज की। चंद्रमा की जो सतह है उस पर टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। 28 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफ़ी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। चास्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं जो 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm की गहराई तक पहुंच सकते हैं। अब इस तापमान के जो पता लगा है इसका फ़ायदा क्या होगा, तो इस बारे में इसरो के जो चीफ हैं उन्होंने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना क्योंकि यहां भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान 3 वहाँ के तापमानों समेत अन्य चीज़ों की स्पष्ट जानकारी भेज रहा है तो वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य थे जो चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो के सामने आए और इसरो ने उसकी पुष्टि तमाम देशवासियों के सामने करते हुए गर्व की अनुभूति सभी देशवासियों को हुई और इसरो को हुई।
कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है न केवल कामयाब हुआ बल्कि एक नई उपलब्धि अंतरिक्ष मिशन और चंद्र मिशन में छोड़ने में कामयाब रहा। अब 2 सितंबर को सुसुप्त अवस्था में जाने के बाद अब 26 सितंबर को इसरो को उम्मीद है कि हमारा जो चंद्र मिशन है दोबारा चालू होगा और एक नए कीर्तिमान रखकर कुछ और डाटा को वहाँ से कलेक्ट करेगा। तो हम सभी की ये दुआएं हैं, हम सभी की ये विश है कि 26 सितंबर को जब चंद्रमा पर एक नए सूरज का उदय हो तो हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो भी एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति के साथ दोबारा चालू होकर नए तरह की खोज और पूर्व की तरह विभिन्न सतहों की जानकारी इसरो को प्रेषित करे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने आसपास का माहौल ऐसा रखें कि महिलाएं आपके साथ सहज महसूस करें। धन्यवाद।